नमस्कार। हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदत होती है वो हर मुद्दे पे अपनी नाक घुसा देते हैं, भले ही उस मुद्दे को लेकर उनकी जानकारी शून्य ही क्यों ना हो। माफ कीजिएगा, हम यहाँ बात स्वरा भास्कर की बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात उस मोहतरमा की हो रही है जिसे अपनी फुहरता वाली फिल्मों से इतनी ज्यादा फुर्सत मिल गई है कि वो हमारे देश के जवानों पर ओछी और शर्मनाक टिप्पणी कर रही है। आप समझ के होंगे, बात यहाँ पे बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा की हो रही है। हालांकि जो लोग ऋचा चड्ढा का, जिन्होंने नाम नहीं सुना होगा, जो नहीं जानते होंगे ऋचा चड्ढा कौन है, वो क्या करती हैं, इन 2 दिनों में जिस तरीके से ऋचा चड्ढा ट्रोल हुई हैं उसके बाद यकीनन कईयों को ऋचा चड्ढा के बारे में जानकारी मिल गई होगी, उनकी फिल्मों के बारे में जानकारी मिल गई होंगी कि वो किस तरीके की फिल्में करती हैं और वो क्या करती हैं। देखा जाए तो ऋचा चड्ढा का जो स्टंट था वो यही था, किसी तरीके से पब्लिसिटी मिल जाए उनको, भले ही उसके लिए उन्हें सेना के जवानों का अपमान ही क्यों ना करना पड़े, उन पर ऐसी ओछी टिप्पणी ही क्यों ना करनी पड़े। दरअसल मीडिया में सेना को लेकर एक खबर आई थी, भारतीय सेना पाकिस्तान से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने के लिए तैयार है, और ठीक उसी के बाद ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा गलवान सेज हाय। अपनी इसी ट्वीट के बाद ऋचा चड्ढा बुरी तरीके से ट्रोल हुई, यहाँ तक कि जो उनके बॉलीवुड के साथी कलाकार हैं उन्होंने भी ऋचा चड्ढा के इस बयान के की जिसमें अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है। आप ये सोचिए कि आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश के जवानों की वजह से आप सुरक्षित हैं, अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, आप उनके लिए इस तरीके से ओछी और शर्मनाक टिप्पणी, अपमानजनक बातें कैसे कर सकती हैं। देश के लिए जो जवान अपनी जान तक निछावर कर देता है, उनका उन जवानों का अपमान करने से पहले ऋचा चड्ढा को जरा सी भी हिचक, जरा सी भी शर्मिंदगी उन्हें महसूस नहीं हुई। अब ये सोचिए, बड़ी ही बेशर्मी के साथ भारतीय सेना के जवानों का उन्होंने अपमान कर दिया। मतलब हम ये कैसे भूल जाए, या फिर हम क्या, कोई भी देशवासी ये नहीं भूल सकता है कि किस तरीके से 2020 में गलवान में बड़ी ही बहादुरी के साथ हमारे देश के जो सैनिक हैं उन्होंने चीनी सैनिकों की हेकड़ी निकाली थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। पूरे देश की आंखें नम थी जिस तरीके जब ये खबर आई थी। तो ऋचा चड्ढा से ये बात पूछनी चाहिए कि क्या आप जब इस तरीके की अपमानजनक बातें अपने जवानों को लेकर कर रही थी, क्या आपने उस शहीद के परिवार वालों के बारे में सोचा, उस माँ के बारे में सोचा जिसका बेटा शहीद हो गया, उस पत्नी के बारे में सोचा जिसका सुहाग उजड़ गया, उस बच्चे के बारे में सोचा जिसके पिता उसमें शहीद हो गए, और तो और उस बूढ़े बाप के बारे में सोचा जिसके बुढ़ापे की लाठी उसका बेटा देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया। अपनी फिल्मों में तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राष्ट्रवादिता की राष्ट्रवादी बातें करते हैं, आप दिखाते हैं कि देश प्रेम आपके लिए सर्वोपरि है, लेकिन यहाँ तो पूरी तरीके से जो आपका रवैया है वो देश विरोधी ही दिखता है। देखिए, और तो और ऋचा चड्ढा जब इस तरीके से ट्रोल हुई उसके बाद इतनी फजीहत के बाद आखिरकार पूरे विवाद को लेकर उन्होंने माफी मांगी, लेकिन क्या ये सवाल पूछना चाहिए कि ये जो माफी उन्होंने मांगी है ये काफी है? देश के जवानों को लेकर, जो देश के जवान शहीद हुए हैं उनको लेकर आप जो इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, उसके बाद आपकी जो माफी, क्या आपको माफ करना चाहिए? कोई भी देशवासी आपको माफ कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकती, मुझे माफ कीजिएगा। देखिए, उन्होंने जो ट्वीट किया है माफी में, उन्होंने ये लिखा है कि मेरा उद्देश्य सेना का अपमान करने का बिल्कुल भी नहीं था, मेरे 3 शब्दों को बेवजह विवाद में घसीटा गया, अगर किसी को बुरा भी लगा हो तो मैं उनसे माफी चाहती हूँ। और तो और उन्होंने इस ट्वीट में अपने नाना और अपने मामा को भी वो घसीट लिया है। उन्होंने ये कहा कि वो खुद सेना के खानदान से आती हैं, उनके नाना फौजी थे, और मतलब पूरे तरीके से विक्टिम कार्ड यहाँ पे खेलने पे वो लग गए हैं। लेकिन एक सवाल पूछना बनता है यहाँ पे ऋचा चड्ढा से कि आपको अपने मामा और नाना तभी क्यों याद आते हैं जब आप बुरी तरीके से फंस जाती हैं, या फिर जो आपका झूठ है वो पकड़ा जाता है। देखिए, मोहतरमा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन सवाल ये कि इससे ना तो आपकी पहचान डिलीट होती है, और ना ही जिस तरीके से वाम पंथ का चोला ओढ़ के आप देश की सेना को टारगेट करने का जो आप पे कलंक लगा है ना, वो मिटेगा। ये बात तो आपको समझ लेनी चाहिए। दरअसल देखिए, आज जो बॉलीवुड की जो दुर्दशा है ना, आज जिस तरीके से बॉलीवुड का हर तरफ से बॉयकॉट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो कलाकार है इन्हीं की वजह से इस तरीके से बॉलीवुड की दुर्दशा भी हो रही है। मतलब जो अपने ही देश में रहकर अपनी ही सेना के खिलाफ अनाप शनाप बोलता हो, लिखता हो, इनकी इन्हीं की हरकतों से आज जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वो पूरी तरीके से उनका बॉयकॉट हो रहा है। मतलब बड़े बड़े जो 30 मार खान हैं वो धराशायी हो जा रहे हैं इस तरीके से, चाहे वो देश विरोधी बातों को लेकर हो, किसी एक धर्म विशेष को लेकर जो इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर जो दिखता है उसको लेकर। तो वैसे में इस तरीके की जो बातें ऋचा चड्ढा की तरफ से की गई हैं, सवाल ये कि क्या बॉलीवुड पे एक और धब्बा नहीं लगता, क्योंकि आप भी इसी फर्टर्निटी से आती हैं।
देखिए हम तो यही अपील करेंगे कि चाहे ऋचा चड्ढा हो या फिर उनके जो शौहर हैं अली फजल, क्योंकि नई नई शादी हुई है दोनों की, तो अली फजल जितनी भी इनकी फिल्में आ रही हैं हम सबको इनका बॉयकॉट करना चाहिए यहाँ। और तो और जो बॉलीवुड के जो दूसरे कलाकार हैं जो भारत और भारतीय सेना का सम्मान करते हैं, उन्हें भी उन पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उनका इन दोनों का बॉयकॉट करना चाहिए, पूरी तरीके से इनका बहिष्कार करना चाहिए। किसी भी जो भी स्टार है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उनको किसी भी तरीके से इन दोनों के साथ काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी देशभक्त ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि आप जिस देश में रह रहे हैं, जो देश आपको इतनी इज्जत दे रहा है, जिस देश में आप पूरे मान सम्मान इज्जत के साथ रह रहे हैं, उस देश के खिलाफ, उस देश के जवानों के खिलाफ आप इस तरीके से ओछी और घटिया बातें आप कहें। मतलब आप ये सोचिए कि आप आज जो देश के जवान हैं वो सरहद पे हैं, वो रात रात भर ड्यूटी करते हैं, ना वो गर्मी देखते हैं, ना वो ठंड देखते हैं, वो बस अब किसी तरीके से उनका एक लक्ष्य होता है कि अपने देश के जवानों की रक्षा करना, जो दुश्मन है वो हमारे देश में किसी भी तरीके से प्रवेश ना कर पाए। आज उन्हीं की बदौलत हम चैन से सो रहे हैं। ये जो इनका ग्लैमर है, जो पेज 3 पार्टियां ये करते हैं, इनके पीछे जो आगे पीछे जो कैमरे भागते हैं मीडिया की, ये सब उनकी वजह से, क्योंकि वो है तो हम हैं। ये बात ऋचा चड्ढा जैसे लोगों को समझना चाहिए कि आप सेना के शौर्य पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, ये बात कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और माफी शब्द इसके लिए बहुत छोटी है। देखिए जहां तक एक बात और समझ लेनी चाहिए कि ऋचा ने जिस तरीके से भारतीय सेना को लेकर जो अपमान जो ट्वीट किया है, ये पूरी उनकी एक सोची समझी योजना कही जा सकती है, क्योंकि उनकी फिल्म जो है फुकरे 3 रिलीज होने वाली है, और इससे बेहतर पब्लिसिटी स्टंट शायद ऋचा को नहीं मिल पाता। लेकिन सेना पे सवाल उठाने से पहले मैं, आप चाहे देश का कोई भी एक नागरिक हो, उसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि सेना के जवान हैं तो आज हम और आप हैं, इस देश में हम चैन पूर्वक यहाँ पे रह रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार।